भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे में आपका स्वागत है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ये प्यास क्यों काट रहा हूँ। किसी बड़े महान आदमी ने कहा था कि पत्नी के साथ सुखी जीवन काटना हो तो कुछ ना कुछ काटते रहिए। क्या क्या करना पड़ता है एक अकेले आदमी को, किचन चलाऊं, घर चलाऊं या ये मेला चलाऊं? What nonsense! My God, ये तो गर्म है। ओह, कुकर में मैंने चने चढ़ाए हुए। आओ जरा कुकर खोल लें और चने चेक करें। बहुत बढ़िया। हाँ, चने कहाँ हैं? कहाँ चने? ओहो, मेरे अलावा किचन में कोई आया था? मेरे से पहले रसोड़े में कौन था? कौन था? मैं था, तुम थी, कौन था? कौन था रसोड़े में? कौन था? हाय राशि, भाई जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू। हे, क्या बात है, एकदम तोता लग रही हो आज। सॉरी, मतलब आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। मुबारक हो, मुबारक हो। तुम्हें देख करके एक शायरी याद आ रही है। अच्छा, करो। अर्ज किया है, बोलो इशारा इशारा। अर्ज किया है तुम्हारी मुस्कान मुस्कान नहीं, तुम्हारी मुस्कान मुस्कान नहीं, एक वार है, तुम अपना मन बना लो, हम कब से तैयार है। सॉरी प्रीतम, अभी तक गैस पे कुकर मैं चढ़ाती थी, कहीं तुमको ना चढ़ा दूं। प्रीतम प्यारे से तुम हो जाओगे प्रीतम फ्राई अगर मैं गैस की आंच बढ़ा दूं। तुम्हारी बात से तो मुझे और भी गरम गरम फील होने लग गया है। ऐसा करते हैं, माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। क्या तुम मेरे साथ लॉलीपॉप पे चलोगी? लॉलीपॉप पे कौन जाना चाहता है? अरे हम भी तो वही जाना चाहते हैं जहाँ कोई नहीं आता। प्लीज, तुम मेरे साथ जो ये फ्लर्ट कर रहे हो ना, उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। हाँ, तुम मिलना चाहोगे? नहीं, जब आया ही है तो क्यों मिलना चाहेंगे? नहीं नहीं, तो मेरा भरता बनाना चाहेगा। हाँ, जरूरी है। हाँ। बुलाऊं? विशाल, प्लीज कम। आ ही जाओ। भाई इतनी गर्मी लग रही है तो हाफ स्लीव्स ही पहन लेते, स्लीव्स ऊपर करने की क्या जरूरत है? भाई गैस पे कुकर तो ये चढ़ाती है। हाँ। लेकिन लोगों की सीटियां कैसे बजानी ना, ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। ओहो, सीटियां ही बजानी है तो ट्रैफिक पुलिस में लोगों, यहाँ क्या कर रहे हो? चालान काटने आया हूँ तुम्हारा। मेरा? आप बैठिए, शांत रहिए, गुस्सा मत कीजिए। चेक करना था क्या हुआ है। नहीं नहीं, जहाँ जहाँ विशाल जाते हैं वहाँ शेखर आता है। तुम्हारा शेखर कहाँ रह गया विशाल? ये मैंने पहला जोक मारा है तुम्हारी जिंदगी में, किससे पहले भी किसी ने मारा है? हेलो। हाँ, शेखर का फोन है। अच्छा। प्लीज वेलकम विशाल और रुचा। हमारे इस मेले में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरू करते हैं भाभी के बोल प्रीतम बकलोल। तो जाहिर बात है तुम मेले में आए हो, तो मेले की क्या यादें हैं तुम्हारी? भाई मेरे लिए तो बहुत सारी हैं। मैं भटिंडा से हूँ। ओहो, मॉल टाउन। पर एक अच्छी नहीं, एक बहुत स्कैरी याद है मेरी मेले की, जो मुझे हमेशा बहुत डराती है। मेरा भाई मुझसे बहुत छोटा है। अच्छा। और मैं उसे मेले में लेके गया था। ओके। एंड मुझे आई डोंट नो, वो जो वो व्हील होता है ना, तो मुझे लगा दैट ही विल एंजॉय, ही वाज लाइक व्हाट आई थिंक 4-5, तो मैं उसको लेके बैठ गया। अब वो जब चलना शुरू हुआ, सो व्हेनेवर ही वाज कमिंग डाउन, वो नीचे आ रहा था ना, तो उसके पैर ऐसे से कांप रहे थे। अब मुझे लगा था कि क्या करूं, ऐसा कैसे रोक दूं वो। एंड देन आई हग्ड हिम, एंड आई मतलब काफी देर उसको हग करके बैठा रहा जब तक रुका नहीं। ऐसा लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। दैट्स वन। बट अदर देन दैट, मेरा फेवरेट होता था वो जो बंदूक वाला बलून को यहां पे लगा हुआ है हमारा। अरे आई लव दिस, यूज्ड टू बी माय फेवरेट। बहुत जीतता हूं मैं। वो जो जायंट व्हील होता ना, मेरी गो राउंड,
उस पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत खतरनाक रहा। क्यों? क्या हुआ? जब ऊपर गया मैं भी छोटा सा था, मेरे नीचे जो अंकल पॉपकॉर्न लेके बैठे थे और मेरी और फिर अंकल ने जब पॉपकॉर्न खाया तो उन्हें कहा वाह पॉपकॉर्न जो नए फ्लेवर में आया हुआ है नींबू पानी वाला। आज के बाद पॉपकॉर्न खत्म, बंद। आपका स्वागत है भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे में, और हमारे साथ ओ, ये एक बार और करना। ओ हमारे साथ रुचा है और साथ में विशाल है। रुचा काश मैं कुकरी होता, तुम्हें देख करके सीटी तो मारता। वैसे तुम परेशान हो गई हो ना जब से ये गाना वायरल हुआ। हाँ, मुझे तो ऐसे लगने लगा है अभी लोग मुझे थोड़े दिनों बाद सिर्फ राशि थी वो ये पूरा कह के पुकारेंगे, वो राशि थी राशि थी। तुम्हारा रसोड़े वाला गाना जो है बहुत फेमस हुआ था, तो तुम हनीमून के लिए बाहर गई थी या रसोड़े में? ओह माय गॉड, वेल हनीमून के लिए तो हम बाहर गए थे, सो ऑफ कोर्स रसोड़े में तो मैं तो नहीं जाती। अरे उससे ये पूछो कि सच लाइफ में रसोड़े में जाती भी है कि नहीं जाती है? कभी नहीं। भाई शो के शुरुआत में इसने मुझे प्रॉमिस किया था क्या बना के खिलाऊंगी? भुर्जी। भुर्जी बहुत बढ़िया बनाती हूं। मैंने 6.5 साल शो किया, भुर्जी का भाव भी नहीं मिला कभी सेट पे। एक दिन बना के लाई थी मैं, एक दिन मैं बना के लाई थी, लेकिन मैंने एंड में बताया कि वो मेरी मेड ने बनाया था। तो बनाया तो था ना। एक मिनट एक मिनट, कैसे बनती है अंडे की भुर्जी? एक तो सबसे बड़ा एक और पोपट मेरा जिंदगी में, पहली बार जब रुचा से मैं मिला हूं सेट पे शूटिंग शुरू किया, खाने के लिए बुलाया कि मेरे साथ बैठ के खाना खाओ मेरे साथ। भाई मैं लेके जाता था इतना बड़ा टिफिन, ये लाई इतनी इतनी चुंटू चुंटू सी डब्बियां जिसमें 4 दाने वो मूंग की दाल, आधी सी रोटी होगी मटकी, आधी रोटी और वो आमरस 2 चम्मच बस। अब इसमें से क्या तो नहाएंगे क्या निचोड़ेंगे वो हाल था इनका। मुझे खाने में स्वीट कंपलसरी कुछ ना कुछ चाहिए, तो इतना सारा तो मीठा नहीं खा सकते ना, तो मैं बचपन से कुछ तो थोड़ा सा आम का कुछ लाइक साखरम्बा जैसे हो गया या अमूरम्बा जिसे कहते हैं, तो वो थोड़ा सा ही लेके आती थी, लेकिन वो पूरा खाने के लिए नहीं होता। वो अमूरम्बा नहीं होता, मुरम्बा होता है, तड़का मुरम्बा होता है। बेसिकली द पॉइंट वाज कि खाने में थोड़ा सा मीठा होना चाहिए, पूरा खाना मीठे का नहीं होना चाहिए। दैट्स द पॉइंट। तो चलिए बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम। अंताक्षरी तो शुरू नहीं कर सकते, शुरू कर सकते गेम लेकर के मेले का नाम। वाह वाह, तो चलिए खेलते हैं खेल हटके भाभी के झटके। पति पत्नी है गेम का नाम। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और आपको जवाब देना है कि ये पति करता है या पत्नी करती है। अच्छा, इसके लिए मेरे पास में है जादू। 1 2 3 प्लक कार्ड। पत्नी पति, ठीक है, ये एक आपके लिए और ये एक आपके जी। सो कौन ज्यादा शक करता है? वाओ, पत्नी शक करती तुम पे? कौन सी बातें होती हैं? धीरे से प्यार से पूछा जाता है कि फोन का पासवर्ड क्या है, या फिर जब आप कर रहे हो तो पीछे से देख लिया जाता है। फिर ये दिन में सवाल होते हैं कि रात को? बेबी ये जो पत निकलवाने वाले होते हैं वो रात को होते हैं। बात दिन में लगती है। कौन एक दूसरे के बेहतर सीक्रेट संभाल के रखता है? वाह, इसमें भी जो है एक तो ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो आप लोगों ने संभाल? बहुत सारे सीक्रेट्स है। हाँ। बहुत सारे लोगों के जो मेरे पास है, और वो सीक्रेट्स इसीलिए उसे नाम सीक्रेट कहा गया है कि वो लोगों को नहीं बताना है। एंड आई एम अ वेरी गुड सीक्रेट कीपर। बट मोस्टली मुझे लगता है कि पत्नियां ज्यादा अच्छी सीक्रेट संभाल सकती हैं। ओहो या कौन जो है फुल डेट का मूड बनाने के बाद फुल डेट वेट सेट लेकिन धोखा दे? आई नो द आंसर। अब बताओ भाई रुचा, क्यों पति का क्यों ऐसा? मेरे तो केस में यही हो जाता है कि मतलब मैं रेडी हूँ एंड राहुल इज ऑलवेज गेटिंग लेट। मतलब कोई भी दिन, वीकडे हो वीकेंड हो, ही इज ऑलवेज वर्किंग एंड ही इज ऑलवेज लेट। सो मैं मतलब 2 घंटे वेट ही करती रहती हूँ। वो बिजी नहीं है कहीं और? बिजी है नहीं। इतनी सुंदर पत्नी होने के बाद वो कहाँ बिजी है? वो काम में बिजी है। काम में बिजी है। हाउ अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी किसी बीवी सबको मिले, इतनी अंडरस्टैंडिंग है। कभी तुम्हारे केस में ऐसा क्या? भाई मुझे ऐसा लगता है कि जैसे पूरा सब सेटअप हो गया, सब हो गया, फिर कोई एक चीज सनक जाएगी। क्या? ये ग्लास इधर से इधर क्यों रखा?
अच्छा आई लव यू पूरा क्यों नहीं बोला? अच्छा जब मैंने मैसेज किया था तो ओके का के क्यों आया? ओह तो भाई वो कभी भी हो सकता है, तो उस चक्कर में 90% ये होता है कि पोपट इवेंचुअली। ओह माय गॉड कितने लकी हो, मेरी हम्प्टी डम्प्टी तो मेरे छाती बैठ जाती चाकू लेकर के, बोल आई लव यू, बोल हम्प्टी कर, बोल तुम बोल दिया करो ना, सांस निकले तो बोलूं ना। और सब राहुल जैसे लकी नहीं होते ना, उसके बाद ही सवाल नहीं पूछे। नेक्स्ट सवाल, कौन सबसे ज्यादा गॉसिप करना पसंद करता है? ये बड़ा मजा राहुल के साथ। क्या ये कौन सी गॉसिप होती है जो सिर्फ राहुल के साथ होती है, बताओ ना मुझे। आई थिंक सारी, जैसे मतलब मैंने डी को कुछ बताया तो इंडस्ट्री के बारे में गॉसिप, इधर हाँ दे बोली ना, इधर उधर की गॉसिप, आई थिंक फैमिली एंड ऐसे फ्रेंड्स के बारे में से कुछ बताना है, ओ माय गॉड मेरे को अपडेट करना है, तो इट्स राहुल। ओके तो पति पत्नी में से कौन है जो सासू माँ की गॉसिप करता है? पत्नी मानी गई वेंचुअली, कम से कम हम पे तो नहीं आएगा कि हमने बोला भाई घर वाले देख के आए। पत्नी करती है मतलब पति की नहीं, सारी जो गॉसिप वो भी बताती ना बेचारी, क्योंकि वो हैं घर पे आसपास आसपास हैं, पति कमा रहे हैं तो इसलिए वैसे पत्नियां भी कमाती हैं। ऑन दैट नोट ये गेम खत्म करते हैं, थैंक यू सो मच, आपको कोई भी मार्क्स नहीं मिलते। क्यों हो गया ना गेम खत्म हो गया? अच्छा ओके ओ अच्छा वैसा चलो नहीं हेलो काहे ज्यादा मचके हो ना, और रुचा के साथ ज्यादा कुच्ची कुकी हो तो मार मार के तुम्हारा रसोड़ा लाल कर देंगे बुझे। देखो तुम ज्यादा मत बोलो वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। उठा के तो दिखाओ। आइए लो। हाथ उठा रहे हो, कभी बीवी को उठा के देखो, बाहों में लो ना। 1.5 किलोमीटर लंबे हाथ नहीं कि जो तुम्हें बाहों में लूं। अरे तुम क्विंटल में नापी जाती, हम्प्टी डम्प्टी कहीं की सैटर्न वॉल, वो वॉल मैं हूँ। आज तुम घर पर आओ, तुम्हारा मेला आज घर पर ही लगेगा, जूते पे जूता देंगे आज तुमको। हेलो सुनो काट दिया तुम, मेरी जिंदगी जो है ना इतनी दुखी है ना, मैं तो प्यार की तलाश में भटक रहा हूँ। यार विशाल तुम तो यार बहुत बड़े छुपे रुस्तम निकले यार। क्यों यार लड़की पटाने जो है इंडोनेशिया चले गए, यहाँ पर अच्छी बीवी नहीं मिल रही थी जो तुम वहाँ चले गए। भाई सच्चाई ये है कि पैसे ज्यादा मिल रहे थे वहाँ पे, लड़की तो मतलब लड़की देती है वहाँ पैसे नहीं। भाई मुझे भी ले चलो भाई, मैं तो यहाँ बहुत दुखी भाई प्लीज। भाई आप वहाँ चले जाओगे तो यहाँ की भाभियों का क्या होगा? ये बात भी वाओ, या तो बदल लेते हैं आप वहाँ चले जाओ, मैं हम आपकी भाभियों के लिए भी कुछ कर लेंगे। अरे त्रिमूर्ति मौसी तुम्हारी आंखों में चाशनी क्यों टपक रही है? अरे साहेब ये चाशनी नहीं आंसू है, हमें तो हमाओं किस्मत पे रोना आ रहा है। लेकिन क्यों? हमाओं पति को विदेशी मैम पसंद आ गए है और कह रहे हैं बांसे ही ब्याह करेंगे। कहीं आप ही तो हमारे मौसा जी नहीं है? नहीं नहीं कहाँ की लड़की है मूर्ति मौसी? कहा थे कोई बाली की लड़की पसंद आओ है। विशाल सर जी? आप हमको कछु टिप्स दे दो दुई चार जिससे ये सब कुछ ठीक हो जाए। सबसे बड़ी टिप तो ये कि जाने दो छोड़ो, आप भी ढूंढो अच्छा सा कोई गोरा। जी इनकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व करता हूँ। क्या क्या नाम क्या आपके पति का? मक्खन सिंह। बताओ नाम मक्खन है तो किसी ने किसी ब्रेड पे तो जाके चिपके ही होंगे ना। हमारा नाम भी इमरती है और मक्खन को मक्खी की तरह उड़ा के ले आएंगे। मैं कहता हूँ छोड़ दो उनको। हाय दया इतने सालों का रिश्ता है ऐसे कैसे छोड़ दे? जरा कैलेंडर में देख के बताइयो करवा चौथ कब आ रहा है? आप करवा चौथ का व्रत अभी भी रखेंगी उनके लिए? नहीं हाँ। व्रत रख के तोड़ेंगे। और जब तक व्रत रख के तोड़ेंगे नहीं तब तक उनको छोड़ेंगे नहीं। अरे, अरे मौसी भाई दो मौसी के लिए। I like it. क्या बात है, ये हमारी पड़ोसी इमरती मौसी हैं, बेचारी बड़ी दुखी होती है कभी कभी, लेकिन अब समय आ गया है तुम्हारे साथ पट पट विद प्रीतम खेलने का। वाह क्या नाम। हाँ
मैं पटपट तुमसे सवाल पूछूंगा, तुम्हें झटपट जवाब देना है, लेकिन कंडीशन है अगर तुमने सवालों का जवाब गलत दिया तो तुम्हें मेरे इन गालों पे किस करना होगा, और अगर विशाल ने गलत जवाब दिया तो विशाल को किस करना होगा? नहीं, मैं तुम्हें किस करूंगा? We are not, हम नहीं खेल रहे गेम, मुझे नहीं, नहीं खेलना है। बहुत हो गया। जो यहाँ पे आता है वो खेल के ही जाता है, क्योंकि मेले का चौकीदार भी मैं हूँ, मैंने मेले का गेट बाहर से लगा दिया है। सबसे पहला सवाल, रुचा, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा चुगलखोर कौन है? I don't know. See, मैं ज़्यादा गॉसिप करती नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है। जल्दी जवाब दो वरना मेरी गाल पे किसी दो। अरे यार, ओह क्या तुम्हें इतना जवाब नहीं आ रहा? नहीं यार, मेरे लिए तो आई थिंक डी है, दे बोली ना? ना। दूसरा सवाल, इंडस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लर्ट कौन है? वो मेरी तरफ इशारा कर रही है। मैंने किया तो सही, इशारा तो समझ में नहीं आता तुमको। मैं हमेशा लड़कियों के गलत इशारे ही समझता हूँ। तुम तो इंटरनेशनल फ्लर्ट आदमी हो विशाल, तुम बताओ। इंटरनेशनल भाई, ऐसा तो मैंने किसी को स्पेसिफिक नहीं देखा है, बट हमारे भाई साहब हैं शो में, ही इज आल्सो प्रीटी चार्मिंग दैट इज, जो हमारे मोहम्मद नाजिम है भाई, वो बहुत बढ़िया फ्लर्ट करते हैं। देखिए, ये दोनों बहुत खराब जवाब दे रहे हैं, यहाँ से गेम के रूल्स चेंज होते हैं। तुम सवाल का जवाब नहीं दोगी तो ठीक है, जाहिर बात है मैं अपने गाल आगे करूंगा तुम्हें, किस करना होगा। लेकिन लेकिन अगर तुमने सवाल का जवाब दिया तो मैं तुम्हें चुमी लूंगा। तो कौन है जो सेट पर खाना चुराता है और अपना खाना कभी नहीं लेके आता है? देवोलीना। देवोलीना सेट पे सबसे ज्यादा लेट कौन आता है? कौन है लेट लतीफ? 100% में, बट इन माई डिफेंस मैं 10 मिनट पहले आया करती थी कॉल टाइम के। मेरा रिकॉर्ड है 12 मिनट में मैं रेडी होती हूँ, और मैं पहली शूट करने को सेट पे रहती थी, सो मेरा फोन कट लगता था जब तक सब मिस्टर मिसेस रेडी हुआ करते थे। हम दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं, हम दोनों की कुंडलियां मिलने लग गई, कुछ नहीं हो सकता, आगे चढ़ते हैं। चलो एक दूसरे की खराब आदत बताओ। ओह लिस्ट, ये तो बताना ही पड़ेगा। कहाँ से शुरू करें? बोलो। नो, आई थिंक विशाल की खराब आदतें कम है, सो ही इज जस्ट लिटिल इधर उधर भटकता रहता है, तो उसको जरा खींच के लेके आना पड़ता है, और बाकी आई थिंक ही इज जस्ट परफेक्ट। हाँ विशाल, वही वही जो वही उसको देखकर कि मतलब इनको ऐसा है कि बस कैसा है? मेरा ही है, मतलब ऐसे बहुत इतना भी नहीं है, मैंने फोन छूट दी रखी थी, छूट दे रखी थी, इतना बोल दिया ना इस आदमी ने, इसको पक्की दे देता हूं, रुक। मैडम क्या ठुमके जुल्म कर गए, कानों में ठुमके सितम कर गए, आओ जी आओ। इतने शो से मैं लोगों से सवाल पूछ रहा हूँ, किसी मांग रहा हूँ, कोई दे ही नहीं रहा। तो आपके चाहने वाले हैं, फैंस हैं, हमने आपके आने से पहले बताया था लोगों को कि आप आने वाले हैं, और अगर आपके दीवाने हैं, फैंस हैं, जो आपसे कुछ कहना चाहते हैं, रूबरू होना चाहते हैं, तो डिजिटल माध्यम से यानी कि जूम कॉल के जरिए जो है हम उनसे मिल सकते हैं। हाउ स्वीट, आइए देखते हैं। ओके, अब आगे देखिए फैंस का मेला, बातों का खेला। हाँ जी नमस्कार। हाय नमस्कार। हेलो। हाय, मैं आशीष कटारे बात कर रहा हूँ दिल्ली से। जी दिल्ली से। ओके रुचा मैम, कैसे हैं आप? आई एम डूइंग गुड थैंक यू, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया थैंक यू। नाइस मैम, एक्चुअली मैं आपका बहुत बड़ा फ्रेंड हूँ, और कई टाइम से मैं आपसे मिलना चाह रहा था बट कभी पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, फिर मुझे प्रीतम भाई के शो के बारे में पता चला, सो ओनली बिकॉज ऑफ द प्रीतम आई एम जस्ट सीइंग यू और मैं आपसे मिल पा रहा हूँ, सो थैंक यू वेरी मच प्रीतम, आपसे मुलाकात हो रही रुचा मैम से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और सिर्फ रुचा से सवाल पूछना, तो विशाल के फैन नहीं है आप? नहीं मैं विशाल सर का भी फ्रेंड हूँ, और मेरी फीमेल फ्रेंड है जो विशाल सर की बहुत बड़ी फ्रेंड है, और अभी तक मैं सर का इंतजार कर रही है, बट पता चला कि सर ने विदेश में कोई गर्लफ्रेंड अपनी बना रखी है। I don't know how she will feel about this all. But I still keep waiting for Vishal sir.
ऐसा नहीं है भाई, विदेश विदेश में कुछ नहीं है, सब जो है देसी है, जो है यही पे है। विदेश छोड़ के आ गया हूँ मैं भारत में, बट प्लीज मेरी तरफ से उन सबको हेलो बोलिएगा और मेरा प्यार दीजिएगा। आप मेरा प्यार आप दे दीजिएगा अपनी तरफ से। श्योर श्योर श्योर, थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आज आप दोनों से बात कर पा रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू प्रीतम, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू। क्या बात है ना, कितना खूबसूरत मोमेंट। अरे रो रहे हो तुम यार, इमोशनल क्यों, मुझे हाय भी नहीं बोला। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच, इट वाज लवली मीटिंग यू, बड़ा अच्छा लगा आपने किया था गाइस, बहुत अच्छा लगा और बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। सो हमारे पास देने के लिए कुछ और भी है, तो ये बुनाई की तरफ से आपके लिए गिफ्ट हैम्पर्स, तो थैंक यू रुचा एंड विशाल, और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। और हाँ, तो देखना मत भूलिए भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे, सिर्फ इशारा पे आओ तुम्हें मेला घुमाऊं। भाभी के प्यारे प्रीतम हमारे। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.